हेलो सेवेंथ क्लास, दिस इज योर इंग्लिश रीडर लेसन सेवन। एज यू कैन सी दिस इज योर रीडर बुक। नाउ ओपन इट एंड ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ लेसन नंबर सेवन। द नेम ऑफ योर लेसन इज इवान मैथविच, जिसको हम स्टोरी पढ़ेंगे जो हमारे एंटोन चेक्विन ने लिखी है, जो ट्रेजर के उसमें से ली रखी है। ये तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द स्टोरी इज अबाउट। नाउ बिटवीन 4, 5 and 6 इन द इवनिंग के टाइम पे अ फेयरवेल मैन ऑफ लर्निंग, वी विल कॉल हिम सिंपली द मैन ऑफ लर्निंग, जो बहुत सीख के काम देता है, इज सिटिंग ऑन अ। नाउ इट्स पॉजिटिवली रिवॉल्टिंग, ही सेज कंटिन्यूअसली लुकिंग एट हिज वॉच, ही शोज द यूटेस्ट मोस्ट डिसरिस्पेक्ट फॉर अनादर मैंस टाइम एंड वर्क। इन इंग्लैंड सच अ पर्सन वुड नॉट अर्न अ फार्थिंग, ही वुड डाई ऑफ हंगर, ही विल वेट अ मिनट व्हेन यू कम। अब वो क्या करता है, एक पॉजिटिवली रिवोल्ट दिखाता है अपनी कंटिन्यूस अपनी घड़ी में देखते हुए, और वो क्या दिखाता है, एक डिसरिस्पेक्ट दिखाता है दूसरे इंसान के टाइम और काम के लिए, जो ऐसा इंसान है जो कुछ भी कमा नहीं पा रहा है और ऐसा लगता है कि वो भूख के बिना मर जाएगा। एंड फीलिंग आर क्रेविंग टू वेंट, वेंट क्या होता है, टू एक्सप्रेस अ फीलिंग को शो करने के लिए, जब अपनी रेथ यानी एंगर गुस्से को, और इम्पेशेंट अपॉन समवन द मैन ऑफ लर्निंग गोज टू द डोर के तरफ जाता है अपनी वाइफ के रूम में और नॉक करता है। लिसन कात्या, क्या नाम है उसकी वाइफ का, कात्या, ही सेज इन इंडिग्नेंट का मतलब है शोइंग एंगर और सरप्राइज दिखाते हुए, ऐसी वॉइस में वो आता है, इफ यू से प्योटर एबो मिनेल, ही रिकमेंड्स, क्या रिकमेंड करता है, क्या बताता है, सेक्रेटरी एंड डज नॉट नो द सॉर्ट ऑफ मैन ही इज रिकमेंडिंग, कि जो ऐसा इंसान ऐसा वो रिकमेंड कर रहा है उसको वो जानता नहीं है। द रेस्ट यानी ऑफल बॉय इज 2 or 3 hours लेट विद अनफेलिंग रेगुलरिटी है उसकी, एवरी डे जो क्या करता है, हमेशा ही लेट रहता है वो। एंड क्या है उसमें, वेयर वॉज आई, मैं, हाँ, व्हेन ही डज कम आई विल स्वेयर एट हिम लाइक अ डॉग की तरह एंड वॉन्ट पे हिम एंड आई विल किक हिम आउट, इट इज नो यूज स्टैंडिंग ऑन सेरेमनी विद द पीपल लाइक दैट, कि ऐसे सेरेमनीज में ऐसे लोगों के साथ बैठने में कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज वो कभी भी टाइम पर नहीं आता है। And you say that every day, कि जब भी वो आता है जाता है, but today I have made my mind, मैंने अपना बना लिया है कि मैंने आज उसके ऊपर बड़ा गुस्सा होना है, and you must excuse me, मुझे माफ़ करना, I shall swear, मैं कसम खाता हूँ उसके लिए, like a cabman की तरह कसम खा रहा हूँ, यानी एक टैक्सी ड्राइवर की तरह कसम खा रहा है वो। At last, अब उसको एक बेल सुनाई दी, a man of learning makes a grave face, drawing himself up and throwing back his head, he goes into the entry के पास जाता है, and this is Amenius का मीनिंग क्या होता है, एक असिस्टेंट होता है, इवान मैथ्यूच आ गया है, a young man है जो 18 years का है, जिसका फेस ओवल शेप में अंडे की तरह, and no wearing a shabby and mangy overcoat उसने पहना हुआ है, जो उसके अपने सर पे उसके हैंड हैट कैप भी है, जो क्या कर रहा है, trying as he does so to conceal from the maid servant a hole in his boot, में उसके होल होता है, through which a white socks उसमें से निकल रही थी, seeing the man of learning he smile, वो हंसता है बड़ा जोर जोर से, वो बोलता है कि somewhat foolish smile which is seen only on the faces of children and very good natured people, ah good evening he says, वो कहता है good evening sir, holding out a big wet hand, has your sore throat gone, इवान मैथिज सेज द मैन ऑफ लर्निंग इन अ शेकिंग वॉइस में कहता है, स्टेपिंग बैक पीछे हटते हुए, क्लास्पिंग करते हुए, अपने हाथों की ताली बजाते हुए, देन ही डैशेस टू द एंड क्लैचेस हिम बाय द सोल्जर्स एंड बिगिंस फेबली शेकिंग हिम, व्हाट अ वे टू ट्रीट मी ही सेज विद दिस अफेयर इन हिज वॉइस, यू ड्रेडफुल हॉरिड फेलो, व्हाट अ वे टू ट्रीट मी, आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं मुझे, ये क्यों बात हुई, हाउ यू आर लाफिंग, और कैसे आप मेरे पे हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, जगिंग फ्रॉम द स्माइल विच
विल लिंगर्ड ऑन हिज फेस, और उसने उसको क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, बड़ा डिफरेंट रिसेप्शन यूज कर रहा था कि हाँ मेरी ऐसे वेलकम होगा, ऐसे वेलकम, लेकिन अब उसका फेस जो क्या हो गया था, एंगर में भी हो गया था, कुछ कुछ परेशान भी हो गया था कि मेरी तरफ वो क्यों हंस रहे हैं, आप मेरा ऐसा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। और वो कहता है कि यू आर 2 आवर्स, तो तुम 2 घंटा लेट हो, क्या तुम्हें भगवान से मैंने डर लगता, आई हैवेंट कम स्ट्रेट फ्रॉम द होम। वो अब मन मन में बटर बटर करता है कि भाई मैं तो घर से सीधा नहीं आया हूँ। Untying his scarf irresolutely, I have been at my auntie के name घर पे था मैं, उनकी auntie के name day party थी, और मेरी auntie जो है 5 miles away यहाँ से रहती है। If I had come straight from उनके घर से, मैं अगर खुद आता अपने अपने घर से, then it would be a different thing हो जाती है। अब मैं वहाँ से आया हूँ तो थोड़ा सा तो तुम्हें manage करना चाहिए ना, समझना चाहिए ना आपको। तो द मैन ऑफ लर्निंग डैशेज टू द and helps him to the disangle his scarf को हिलाते हुए। he has done a pleasant like a pleasant woman की तरह, come along please make fast, कोई बात नहीं आराम से बैठो तसल्ली से। blowing his nose in a dirty cramped dog, गंदा सा हैंकी, और pulling his grey reefer jacket, उसकी गंदी मैली कुचैले सी। और वो क्या करता है, ड्राइंग रूम में उसको चलता है कि हाँ there is a pen and paper and had put already for him long ago, जो बहुत टाइम से उसके पास देखने को मिलता है, एक पेन और एक पेपर था उसके पास। अब वो बोलता है मैन ऑफ लर्निंग उसको कि हाँ sit down, और वो अपने हाथों को इंपेशेंटली हिला के कहता है यू आर एन इनसफरेबल पर्सन, यू नो द वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय, कुछ टाइम ही हमारे पास है जिसके अंदर हमें अपना काम फिनिश करना था, और तुम इतना लेट आए हो कि वन इज फोर्स टू, और मैं अगर ना भी चाहूँ ना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें डांटना पड़ता है मुझे, मैं क्या करूँ, तुम मेरी बात को समझते नहीं हो। अब वो क्या करता है कि अपने बालों को हिलाता है और अपना पेन उठाता है और उठता है, कभी बैठ तब एक वॉक्स अप चलता है, फिर डाउन द रूम बैठ जाता है, कंसंट्रेट करता है कि हाँ, ताकि वो बिगिन करे अपना डिक्टेशन बोलना। उसके बाद ये वर्ड्स हैं जो वो बोलता है कि हाँ ये लिखो, ये डिक्टेशन के कुछ वर्ड्स हैं। द हाई स्कूल बॉयज हैव अ डिफरेंट नाउ अ ग्रे वन है, जो इवान बोलता है कि वेन आई वॉज स्कूल इट वॉज वेरी बेटर, दे यूज टू वियर रेगुलर यूनिफॉर्म, हम पहनते थे। ओ डियर प्लीज बातें मत करो, हमारे पास टाइम नहीं है, तुम अपना जो मैं कह रहा हूँ ना वो लिखो। करेक्टर हैव यू रिटर्न इट, स्पीकिंग ऑफ द नॉर्म्स, ये सारे वर्ड्स हैं जो वो लिख रहा है। दैट दे यूज टू वियर अ डिफरेंट यूनिफॉर्म इन एनी टाइम, कि हाँ मालूम है मुझे, सब मालूम है कि सब अलग अलग डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, मैंने भी इतने में छोड़ा था, मुझे भी 3 साल हो गए थे तब अपनी स्कूल छोड़ने में, तब तक भी सबके डिफरेंट डिफरेंट कलर की यूनिफॉर्म थी। ये सारी वो दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं, कौन कौन आर्ग्यू कर रहा है, एक तो वो उसका ऑनर है वो, और वो दूसरा इवान। अब जो दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पे, ये तो ऑनर लेटा हुआ है जो है ना सोफे पे, और जो राइटिंग कर रहा है ये हमारा कौन है, इवान है। एंड व्हाई डिड यू गिव अप, वो कहता है कि आपने जो मैन ऑफ लर्निंग है लेटे हुए हैं जो सोफे पे, वो कहता है कि तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया। लुकिंग इवान की तरफ वो देखे उसे पूछता है कि भाई कुछ फैमिली के सर्कमस्टांसेस थे, और मेरी मेड सर्वेंट जो है वो एक ट्रे लेके आती उनके लिए, 2 ग्लास उनके लिए चाय लेके आती ग्लासेस में, एंड अ बास्केट ऑफ रस्क लेके आती है उनके ऊपर। रस्क क्या होते हैं आपके, जो वो आप चाय के साथ पीते नहीं, रस बोलते हैं, वो लेके आती है। और वो अपना एक ग्लास अपना लेता है, अपने दोनों हाथों में पकड़ता है, और वो बिगिन करना शुरू कर देता है। और वो कहता है कि चाय बहुत गर्म है। टू अवॉइड बर्निंग हिज माउथ ही ट्राइज टू टेक अ टिनी सिप लेता है, ताकि वो, और एक वन रस लेता है वहां से, और वो कहता है कि हाँ हाँ, देन थर्ड लेता है, देन थर्ड फोर्थ लेता है, और धीरे धीरे अपनी चाय को पीता रहता है। और जब वो आवाज़ कर रहा होता है चाय को पीने के लिए, और वो अपने लिप्स को स्मैक्स कर लेता है, स्मैक क्या होता है, टू हिट कर लेता है अपने होठ पे इतनी तेज से, अपना वो कप मार लेता है। द एक्सप्रेशन ऑफ हंग्री ग्रीड, यानी भूख का जो उसके अंदर लालच था ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी उसको उस टाइम पे। जो मैन ऑफ लर्निंग जो था उसको बड़ा इरिटेट कर रही थी वो उसकी आवाज़ें। एंड मेक हेस्ट एंड फिनिश, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, कि जल्दी पियो, टाइम निकला जा रहा है, जल्दी करो, हमें स्टार्ट करना है। अब वो कहता है कि ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, मैं पी भी रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं बहुत भूखा था ना इसीलिए ऐसा हो रहा है, कि कोई बात नहीं, आप बोलना शुरू करिए, आप बोल रहे हैं मैं लिखूँगा, कोई नहीं। फ्रॉम द डोन रीजन इट इज़ क्वाइट स्प्रिंग विद अस, बाय मार्च इट इज़ फ्रॉस्टी एवरीवन। अब वो फिर दोबारा अपनी डिक्टेशन लिखना बोलना शुरू कर देते।
Oh, to pass the time, say Ivan. He signs ki, but the we must write and where did we stop? कहाँ रुके थे? The man of learning dictate करता है another 20 lines. फिर बैठ जाता है और फिर उसको बोलता है कि ठीक है भाई अभी तुम रुको, मैं अगला सोचता हूँ अभी हमें क्या करना है. और फिर वो धीरे धीरे अपनी कॉलर को हिलाता है. His tie was not set properly, भी बंदी नहीं हुई थी. और वो बहुत ज़्यादा परेशान टाइप में हो रखा था कि वो थोड़ा सा लुक वाइज बड़ा अजीब सा लगे जा रहा था. और इवान वो क्यों क्या है, aren't you ashamed, आपको तुम ऐसे नाइस फेलो हो और इतना ओरिजिनल तुम्हारे अंदर खूबियां हैं, लेकिन तुम क्यों, वाई हैवेंट इवन रीड गोगो, यू मस्ट रीड हिम ना. आई विल गिव यू हिज वर्क्स, इट इज़ असेंशियल टू रीड हिम, वी विल क्वारल इफ यू डोंट. कि अगर हमारे बीच में अगर झगड़ा हो जाएगा अगर तुमने उसे नहीं पढ़ा तो. अगेन अ साइलेंस फॉलोज. द मैन ऑफ लर्निंग मेडिटेट्स, बोलता है आफ्टर रिक्लाइनिंग ऑन अ सॉफ्ट लंग कि हाँ ठीक है चलो तुमने ये देख लिया, ओके इट्स नाउ. और उसको वो लगता है कि चलो ठीक है अब तुम अपना काम करना शुरू करो. एंड पर्डल्स हैव मेड बाय द स्नो मेल्टिंग ऑफ हिज बूट्स ऑन द फ्लोर, क्योंकि जो भी उसके अंदर स्नो मेल्टिंग, जो उसकी बर्फ उसमें से थी, वो धीरे धीरे मेल्ट होके वो बहुत गंदा होता जा रहा था वहां पे. टू बी श्योर वेरी गुड, वी मस्ट राइट थ्रू. एंड द मैन ऑफ लर्निंग गेट्स अप रेजोल्यूटली एंड बिगेन्स डिक्टेटिंग करना शुरू कर देता है. बट आफ्टर 10 लाइन सेट्स डाउन ऑन अ लॉज अगेन. 10 लाइन्स के वो कुछ कुछ गैप ले रहा था और उसके बाद वो फिर 10 लाइन्स बोलने के बाद बैठ जाता. And no, perhaps we had better put it off till tomorrow morning. तक हम वो कहता है कि हम कल देखें मॉर्निंग में, इतना आज 9 बज गए हैं अब हम बाकी कल ही देखते हैं. इवान जो कहता है lays down his, अपने पेन को नीचे रख देता है and get up table से खड़ा होता है and sits in another chair पे बैठ जाता है. 5 minutes pass, अब वो 5 मिनट निकल गए उनके शांति से बैठे रहे वो दोनों. और उसके बाद बट इन द मैन ऑफ लर्निंग की स्टडी इट इज सो स्नग, स्नग क्या होता है, वॉर्म हो गया वहाँ पे, लाइट एंड वॉर्म. एंड द इम्प्रेशन ऑफ द नाइस रस्क जो थे एंड द स्वीट टी इज स्टिल सो फ्रेश दैट इट इज अ पैंग. पैंग क्या होता है, एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही होती थी उसके, क्योंकि उसने चाय पी और उसको जो वो उसने वो खाए थे ना रस्क, वो भी उसको बहुत अच्छे लगे. एट द टाइम देयर इज पावर्टी हंगर कोल्ड, जिसकी वजह से वो उसकी इतनी बुरी हालत हो रखी थी. द मैन ऑफ लर्निंग लुक्स एट हिज वॉच की तरफ देखता है एंड टेक्स अप अ बुक उठा लेता है. सो यू विल गिव मी गूगल एंड सेज इवान गेटिंग अप, यस यस बट Why are you in such a hurry? में क्यों है my dear boy? Sit down and tell me something. कि इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, बैठो अभी मुझे बताओ. तो इवान वहाँ बैठ जाता है, स्माइल करता है बड़ी लंबी सी और वो कहता है कि हाँ हमारी जो आज बैठे बैठे हमारी ऑलमोस्ट हमारी एवरी इवनिंग निकल गई है. और ऑलवेज फील समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉफ्ट अट्रैक्टिंग हिम एज इट वर अकिन, था वो अकिन यानी सिमिलर था, इन द वॉइस एंड ग्लैंस ऑफ द मैन लर्निंग. There are the moment when he fancies that a man of learning becoming attracted to him, used to him, and if the if he scolds him for being late, it is simply because he misses his chatter about tarantulas and how they catches gold finches on the dawn. अब वो क्या करता है, उसको उसकी इतनी आदत हो जाती है उसके मैन ऑफ लर्निंग को, अगर वो उसको नहीं देखता है तो उसको फीलिंग जो ना दूसरी अलग से वाले आने लग जाती है. वो नहीं दिखता है तो उसको पूछता है कि तुम कहाँ रह गए थे, बातें सुनाओ और कुछ बताओ, कुछ बताओ. इंजॉय करने लग गया था वो. ठीक है, नाउ वी हैव जस्ट फिनिश्ड द स्टोरी एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर ए एंड बी. फ्रॉम दिस पेज यू हैव टू कम्प्लीट योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. And question number C, you have to complete from this page. And D is your homework. You have to do by your own self. And E, F, H, I, you have to complete from this page. J, you have to do from this page. And K is your homework, which you have to do by your own.